हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रेखा स्टिचिंग। आज के इस वीडियो में आपके लिए लेके आई हूँ साड़ी में फॉल कैसे लगाया जाता है और मैं स्टेप बाय स्टेप करके दिखाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और वीडियो में अगर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन की बटन दबाना ना भूलें। ये मेरी फॉल है। फॉल को मैंने अच्छी तरह से धोकर और प्रेस कर लिया है। अब मैं इसको ऐसे फोल्ड करके किनारी को और सिलाई लगा दूँगी। ऐसे दूसरी किनारी को भी ऐसे ही हम फोल्ड करेंगे और सिलाई लगा देंगे। मैं साड़ी लूँगी, साड़ी में 8 इंच पे निशान लगाऊंगी। वैसे ऐसे आप हाथ से भी निशान लगा सकते हैं। और यहाँ से हम सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। साड़ी और फॉल को बराबर अच्छी तरह से रखेंगे और सिलाई लगाएंगे। ध्यान देना है फॉल जो है तो साड़ी से बाहर ना दिखे, उसको बराबर से लगाएंगे। यहाँ पे हम पक्का करेंगे और निकाल लेंगे यहाँ से। अब दोबारा मैं इसको बराबर करूँगी फॉल और साड़ी को। ये जो सिलाई लगा रही हूँ इसको मैं कच्चा कर रही हूँ, बड़ी सिलाई लगाएंगे और इसको बाद में हम खोल देंगे। ऐसे बराबर करते जाना और बड़ी सिलाई लगाते जाना है। कच्ची सिलाई मैंने कर लिया है। अब मैं इसको देखूंगी, झोल कहीं नहीं आ रहा। ये देखिए कि कहीं पर भी ना तो चुन्नट है और ना ही झोल है, एकदम से बराबर फाल लगी हुई है। ये देखिए, मैं साड़ी को उल्टा करूँगी और तुरपाई लगाना स्टार्ट करूँगी। ऐसे हम तुरपाई लगाएंगे। इस कोने में हम यहाँ पे पक्का करेंगे, गांठ लगाएंगे, उसके बाद तुरपाई करेंगे। तुरपाई करते समय हमें ये ध्यान रखना है कि 10 से 15 तुरपाई के बाद हमें गांठ लगाना है। गांठ लगाने से क्या होता है कि अगर हमारा धागा कहीं से खुलता भी है तो हमारी पूरी फॉल नहीं खुलती है और फॉल जो है तो पक्की रहती है। ऐसे ही हम हर बार 10 से 15 तुरपाई करेंगे और उसके बाद गांठ लगा देंगे। ऐसे हम हर जगह करेंगे। इस कोने पे भी मैं गांठ लगाऊंगी और पक्का कर लूंगी और एक और गांठ लगाऊंगी
यहाँ पर भी हम दो गांठ लगाएंगे और कट कर देंगे धागा। अभी जो हमने कच्चा किया था, सिलाई लगाई थी मशीन से, जो हमने सिलाई लगाई थी उस सिलाई को हम खोल देंगे, सिलाई को हम पूरा खोल देंगे। ये देखिए खुलने के बाद हमारा लुक कुछ ऐसा आया हुआ है, साड़ी में और फॉल में कहीं पे भी झोल नहीं आया है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करना ना भूलें। साथ ही अगर हमारे चैनल में नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन की बटन दबाना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।